Good morning, all of you. Today I am going to explain a complete question on interest on drawing. So, देखिए ये complete question है. X, Y and Z are partners in a firm. You are informed that हमारे पास ये अलग-अलग तीन केस हैं. पहला केस है X draws rupees 2000 from the firm in the beginning of every month. यानी कि जो तीन पार्टनर हैं X, Y एंड Z, इनमें से एक पार्टनर है X, वो क्या करता है रुपीज 2000 का एक अमाउंट विड्रॉ करता है फर्म से. और क्या है केस, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो पहला केस हमारा इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. तो हमने इसमें क्या किया, इसमें देखिए जो ये केस है फर्स्ट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इसमें जो कितने मंथ के लिए लगेगा जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, इसमें लगेगा हमारे पास 6.5 मंथ के लिए. 6.5 मंथ्स के लिए क्यों लगेगा, क्योंकि हमने कल एक फॉर्मूला किया था लास्ट वीडियो में, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाई में 2. तो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो इसका मतलब हमने क्या किया होगा, फर्स्ट जैन को हमने अपनी पहली ड्रॉइंग निकाल ली होगी. तो फर्स्ट जैन के बाद दिसंबर तक हमारे कितने मंथ बनेंगे, 12, यानी कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग. लास्ट ड्रॉइंग में कब निकाली होगी, फर्स्ट दिसंबर को. तो कितना टाइम बचेगा, 1 डिवाइड बाय में 2. तो 13 डिवाइड बाय में 2 इज इक्वल टू 2 6 12 2 5 10. तो कितने बन गए, 6.5 मंथ. कितने मंथ में लगेगा, 6.5 मंथ के लिए. ये हम सब कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में, यानी कि जो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होगा उसमें कितने मंथ के लिए लगेगा, 6.5 मंथ के लिए. अब देखो हमने निकाले कितने, हमने निकाला 2000 का अमाउंट. कितने का अमाउंट निकाला, 2000 का. तो हमारे कंप्लीट ईयर में होते कितने मंथ हैं, 12 मंथ्स होते हैं. तो 12 मल्टीप्लाई 2000, तो ये कितने बन जाएंगे, 2000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये बन जाएंगे 24000. कितने बन गए, 24000. तो 24000 पे लगेगा कितने का, 15%, यानी कि जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज ऑन एट द रेट 15% पर एनम. तो 15% डिवाइड बाय 100, कितने मंथ का लिया था अभी जो हमने निकाला था अपना फॉर्मूला पुट करके, तो वो लगा था 6.5 मंथ्स के लिए. 6.5 मंथ्स के लिए लगा डिवाइड बाय में 12, क्योंकि मंथ्स हैं. तो हम ये पॉइंट हटा देंगे और डिवाइड बाय में 0, एक पॉइंट के लिए, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, एक डिजिट है. तो डिवाइड बाय में ये क्या बढ़ जाएगी, एक 0 लग जाएगी. तो 20 से 20 गई, 10 से गई 10, 12 1 12 12 2 24, ठीक है. तो ये बन गए 15 2 30, कितने बन गए, 15 2 30 मल्टीप्लाई बाय 65. तो इसकी कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो कैलकुलेशन में ये जाएगा 0 1950. तो हमारा जो फर्स्ट केस था जिसमें एक्स ने ड्रॉ किए थे 2000 रुपीज फर्म से, और केस क्या था, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर महीने जब हम कितना अमाउंट निकाल रहे हो, 2000. तो इस केस में कितने मंथ का लगना था, 6.5 मंथ का. रेट कितनी थी, 15% की थी पर एनम की. तो निकाला कितने थे, 2000 पर मंथ निकाले थे. तो 12 मंथ्स के लिए 24000 लगाएगा, 15% 6.5 मंथ्स, कितना आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1950. तो ये हमारा था केस नंबर फर्स्ट. अब हम करेंगे केस नंबर सेकंड. केस नंबर सेकंड, वाई ड्रॉज रुपीज 2000 फ्रॉम द फर्म
एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हम साल के अंत में निकाल रहे हैं कितने 2000। अब देखो फॉर्मूला वही चलेगा सेम, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाय में 2। अब देखो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, पहले ड्रॉइंग हमने कब निकाली होगी, जैम के लास्ट, यानी कि कंप्लीट जैम चला गया तो जैम के बाद हमारे कितने मंथ बचेंगे, 11, क्योंकि एंड है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, लास्ट ड्रॉइंग हमने कब निकाली होगी, दिसंबर के लास्ट, यानी कि जो दिसंबर है वो कंप्लीट चला गया, तो इसका मतलब कितने मंथ बचे, 0 डिवाइड बाय में 2, तो 11 बाय में 2, 2 5 जो 10, 2 5 जो 10, कितने मंथ के लिए लगेगा, 5.5 मंथ के लिए। जो ये मेथड है ना, ये फॉर्मूला है, ये रूल है, ये हम कर चुके हैं इससे लास्ट वीडियो, इस जो थी हमने की थी उसका हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया था, तो कितने मंथ के लिए, 5.5 मंथ के लिए। कितने अमाउंट निकाला, 2000 निकाला, यानी कि वो 2000 एवरी मंथ का मतलब हर महीने निकाल रहा है वो, जो कंप्लीट किया था ना हर महीने, यानी कि जो 12 मंथ्स हैं उन 12 मंथ्स में जैन में भी 2000 निकाल ले, फैब में भी निकाल ले, मार्च में भी, ऐसे ही कंटिन्यू वो निकालता रहा। कब निकाल ले, एट द एंड ऑफ मंथ, यानी कि मंथ के अंत में निकाल ले। तो ऐसे हम क्या करेंगे, जो 2000 है उसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अमाउंट कितना आएगा, 24000, यानी जो टोटल उसने ड्रॉइंग निकाली कितनी निकाली, 24000 निकाली। कितने परसेंट है, 15% है। कितने मंथ के लिए, 5.5 मंथ के लिए, ठीक है, 12 आएगा, 12 मंथ्स, ठीक है, क्योंकि मंथ्स है ना ये, तो इसलिए डिवाइड बाय 12, क्योंकि टोटल कितने मंथ्स होंगे साल में, 12, 0 हटाई डिवाइड बाय में 0, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 1 0 से 1 0 गई, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक है, 15 2 जा 30, मल्टीप्लाई बाय जा 55, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा 0, 1650, यानी कि जो हमारा सेकंड पेज था जिसमें वाइड ड्रॉ किए थे 2000 हर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, उसमें हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉ कितना निकला, 1650। मंथ कितने, 5.5, पहले केस में कितने थे बिगनिंग में, 6.5। थर्ड केस, जेड ड्रॉज रुपीज 2000 फ्रॉम द फर्म इन द बिग इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, यानी कि मंथ के मिडल में निकाल रहा है, कितना निकाल रहा है, 2000 हर महीने मंथ के मिडल में वो 2000 रुपीज विदड्रॉ कर रहा है, तो वही चीज 2000 जो जेड है निकाल रहा है हर महीने, टोटल महीने कितने होते हैं, 12, जाएंगे 24000 बन गए। रेट क्या है, 15% पर एनम है। मंथ कितने बनेंगे, अब इसमें भी देखो हमें मंथ निकालने पड़ेंगे, मंथ कैसे निकलते हैं, हम पहले भी कर चुके हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, तो हमने पहले जो ड्रॉइंग है वो कब निकाली होगी, हमने पहले ड्रॉइंग निकाली होगी 15 जैन को, तो 15 जैन को जब हमने पहली ड्रॉइंग निकाल ली तो दिसंबर तक कितने मंथ बन जाएंगे, ये बन जाएंगे 11.5 मंथ्स, क्योंकि 15 जैन को हमने मिडिल में निकाल दिया ना हर महीने की, तो पहले महीने की मिडिल में कब निकाल ली, हमारा फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, पहली ड्रॉइंग कब निकाल ली होगी, जैन 15 को, तो जैन 15 के बाद कितने मंथ बचे दिसंबर तक, 11.5 मंथ, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, लास्ट ड्रॉइंग कब निकाली होगी, 15 दिसंबर को, तो 15 दिसंबर के बाद दिसंबर 31 तक कितना टाइम बचेगा, 15 डेज, यानी कि हाफ मंथ, हाफ मंथ को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 मंथ डिवाइड बाय में 2, तो 11.5 प्लस 5 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय में 2, 2 से कितना 12, तो कितने मंथ बन गए, 6 मंथ, यानी ये कितने मंथ के लग जाएगा, 6 मंथ के लिए। तो जब नीडल हो कितने मंथ के लिए लगेगा, 6 मंथ के लिए, 6 बाय में 12, 20 से 20
6 6 6 6 2 12 2 1 2 2 1 2 2 2 4 0 की 0 है, 0 बच गई थी। ठीक है, तो ये बन गए 120 मल्टीप्लाई बाय 50, ये बन जाएगा 0 1800, तो ये बन गया 1800, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बन गया।